नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज हरीन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बिहार पुलिस परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में ऐसे कौन सा देश सज शब्द है? इसका राइट आंसर बताइएगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इसमें कौन सा देश शब्द है? लाश, धड़ाम, पतलून या फिर औरत, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धड़ाम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, धड़ाम एक देश शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, बहुत अच्छे। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्न में पूछा गया है कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ललाम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ललाम स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, तरुणी, प्रमदा, ललना, ये सभी स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है इसमें? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो बीस का राइट आंसर होगा, कर्ता कारक है। क्या करेक्ट आंसर है? बीस का राइट आंसर होगा, कर्ता कारक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। बताइए पढ़ना का क्रिया भेद कैसा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर नन ऑफ दीज। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सकर्मक। या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पढ़ने का क्रिया भेद सकर्मक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, यस बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए अध्ययन किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आपको बताना है अध्ययन किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। सी करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है, अध्ययन लिखा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। बताइए समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? आपको बताना है समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? समूह, समग्र, विशिष्ट या फिर व्यष्टि, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यष्टि। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए। बताइए निम्नलिखित शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जवाब, गुलाब, हिसाब या फिर शराब, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, शराब। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड आफ्टरनून। डी करेक्ट आंसर होगा, शराब एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी जवाब, हिसाब, गुलाब ये सभी पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर आठ का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नीचे दिए किस पाक में विशेषण का प्रयोग हुआ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इसमें से किस पाक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर नाइन का।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अजय शब्द का अर्थ क्या होता है? एक शब्द आपको दिया गया है अजय, बताइए इसका अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आंगन, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, अजीर का अर्थ होता है आंगन, तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए जीभ का पर्यायवाची इसमें कौन सा शब्द है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें जीभ का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रसना, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, रसना जीभ का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, रसना करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा, क्रिया के मूल रूप को आपको बताना है क्या कहते हैं, पद, रूप, धातु या फिर शब्द। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धातु, या फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, नारियल का तत्सम क्या होता है? नारियल एक तद्भव शब्द है, अगर पूछा जाए परीक्षा में नारियल किस प्रकार का शब्द है, आप लोग याद रखिएगा, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नारिकेल, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, आप लोग याद रखिएगा, नारिकेल नारियल का तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, गुड आफ्टरनून, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? बताइए इसमें कौन सा समास है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड इवनिंग, क्या पूछा गया है? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मधारय समास है इसमें, कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, कैंची किस भाषा का शब्द है? सभी जल्दी से बताइएगा, कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर तुर्की? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। कैंची किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तुर्की भाषा का शब्द है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर है, तुर्की भाषा का शब्द है कैंची, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, मेघ का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए, पयोद, वारिद, अंबर, अम्बुद, बताइए इसमें कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंबर, या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अंबर किसका पर्यायवाची होता है? आकाश का पर्यायवाची होता है। पूछ सकते हैं परीक्षा में अंबर किसका पर्यायवाची होता है, आप लोग याद रखिएगा, आकाश का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, पयोद, वारिद, अंबुद, ये सभी मेघ के पर्यायवाची हैं, बादल के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, आपको बताना किन शब्दों से पचन की पहचान नहीं होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा उसके बाद आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग, संज्ञा, क्रिया, विशेषण क्रिया या फिर विशेषण, इस प्रकार से ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रिया विशेषण, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे,
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए दूध का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें दूध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बी करेक्ट आंसर होगा पीयूष, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा पीयूष दूध का पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चतुर्थ विद्यार्थी ने प्रश्न पूछे, वाक्य में विशेषण बताइए कौन सा है। सभी क्वेश्चन को समझिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। चतुर विद्यार्थी ने प्रश्न पूछे, इस पाक में बताइए विशेषण क्या है। सी करेक्ट आंसर होगा चतुर, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चतुर एक विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए देवता का पर्यायवाची इसमें कौन सा शब्द नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इसमें कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा किंकर, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा किंकर, देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। अब सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा किंकर किसका पर्यायवाची शब्द है, इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए गोष्ठी किसका पर्यायवाची शब्द होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? गोष्ठी किसका पर्यायवाची शब्द होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग भी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर। डी करेक्ट आंसर होगा सभा का, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा सभा का पर्यायवाची होता है गोष्ठी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा सभा करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, काट होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। एक मुहावरा आपको दिया गया है, एक मुहावरा आपको दिया गया है काट होना, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्तब्ध होना, क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। काट होना मुहावरे का सही अर्थ होता है स्तब्ध होना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस निष्ठा, गुड, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काट होना मुहावरे का सही अर्थ होता है स्तब्ध होना, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बताइए कला निधि किसका पर्यायवाची शब्द है, इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, कला निधि किसका पर्यायवाची शब्द है। बी करेक्ट आंसर होगा हिमांशु का, यह तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है कला निधि। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं, हिमांशु कला निधि मयंक ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा शब्द तद्भव है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जीव, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जीव एक तद्भव शब्द है, जीव किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए हिंदी की आदि जननी क्या है, हिंदी की आदि जननी आपको बतानी है। सभी इसका आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा संस्कृत, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, संस्कृत हिंदी की आदि जननी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संस्कृत और हिंदी ये दोनों भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, पूछा जाता है किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं दोनों भाषाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए निम्न में से कौन किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इसमें कौन किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पुष्कर, या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा पुष्कर। तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है, किसका पर्यायवाची है पुष्कर? तालाब का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी मरीच रश्मि दीप्ति ये सभी किरण के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, बताइए जोड़ का ब्लॉम शब्द क्या होता है, आपको जोड़ का ब्लॉम शब्द बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जोड़ का ब्लॉम शब्द क्या होता है? जोड़ का ब्लॉम शब्द होता है घटाओ, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जोड़ का जो ब्लॉम शब्द होता है घटाव होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, और पत्रिका का ब्लॉम शब्द बताइए क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा,
उपत्यका का ब्लॉम शब्द आपको बताना है क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए रसोई घर में कौन सा समास है, एक शब्द आपको दिया गया है रसोई घर, बताइए किस समास का उदाहरण है, बाबरी समास, द्वंद समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तत्पुरुष समास का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, रसोई घर तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। जड़ का ब्लॉम शब्द बताइए क्या होता है, तभी इसका आंसर करिएगा। जड़ का ब्लॉम शब्द आपको बताना है क्या होता है, डी करेक्ट आंसर होगा चेतन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा चेतन जड़ का ब्लॉम शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होता है, मालगाड़ी शब्द का आपको समास विग्रह बताना है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, माल के लिए गाड़ी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अलग होने के बोध का कारक है, इसका राइट आंसर बताइएगा। अलग होने का बोध का कारक आपको बताना है कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा अपादान कारक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुड आफ्टरनून, बी करेक्ट आंसर होगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषा के तीन रूप कौन से होते हैं, आपको भाषा के तीन रूप बताने हैं कौन से होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, बताइए सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है, सदैव का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सदा धन एव। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा धन एव, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, माँ का तत्सम बताइए क्या होगा, माँ का तत्सम शब्द आपको बताना है क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। एक तद्भव शब्द है, तत्सम क्या होता है, मात्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, यामा बताइए किसकी कृति है, लेखक कौन है यामा के, इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, महादेवी वर्मा। क्या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा महादेवी वर्मा की रचना है यामा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, बताइए पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था, उसका नाम आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रद्धा राम फिल्लौरी ने। क्या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, श्रद्धा राम फिल्लौरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, दूरदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है, दूरदर्शी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, बलराम का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए बलराम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बलभद्र। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बलराम का पर्यायवाची शब्द है बलभद्र। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है, उसका चयन कीजिएगा। इनमें से कौन खेलना शब्द से बना विशेषण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खिलाड़ी। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, बताइए मुकुट किस प्रकार का शब्द है। क्या पूछा गया, मुकुट किस प्रकार का शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए करेक्ट आंसर होगा तत्सम। क्या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, मुकुट एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, गज बदन किसका पर्यायवाची शब्द है, गज बदन किसका पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गणपति का। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, गणपत का पर्यायवाची शब्द होता है गजबदन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, बताइए पत्थर का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है,
चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको पत्थर का पर्यायवाची शब्द बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पाषाण, गिरि, नवचर या फिर निर्भय, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाषाण। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, पाषाण पत्थर का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, बताइए इसका तद्भव शब्द इसमें कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका अगम। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा अगम, एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अगम में, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बाकी आश्रय, अवगुण, इसने, ये सभी तत्सम शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए लिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, गुड इवनिंग, घर का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको घर का पर्यायवाची शब्द बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गे, घर का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी लिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, बताइए इसमें कौन तत्सम शब्द नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इसमें कौन तत्सम शब्द नहीं है, इंदु, दिनेश, मनोज या फिर रात, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड आफ्टरनून, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है, सभी लोग टाइम याद रखिएगा, डेली शाम को 3 बजे हिंदी का सेशन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रात। रात एक तद्भव शब्द है, किस प्रकार का शब्द, एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है रात्रि, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी इंदु, मनोज, दिनेश, ये सभी तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, आपको बताना है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहा जाता है उनको, विशेषण कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं उनको विशेषण कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किस शब्द में प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक सुबह क्लास होती है 10 बजे, जीके जीएस की क्लास है, उसके बाद शाम को 3 बजे हिंदी क्लास होती है, और शाम को 8 बजे जीके की क्लास होती है, इन सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों, कुंडलिया, बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न में क्या पूछा गया था, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कुंडलिया, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अभूतपूर्व। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, बताइए इसमें कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। सब इसका आंसर करिएगा, चार ऑप्शन दिए गए, बताइए इसमें कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्द्रता, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, गीला, भींगा, आर्द्र, ये सभी नम के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, बताइए इसमें बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यस, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बितुंडा। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, बितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी दामनी, चंचला, तड़ित, ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 52 के लिए आंसर करिए, उन उपसर्ग से बना शब्द बताइए इसमें कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 19। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 19 शब्द उन उपसर्ग से बना है,
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, बताइए ऋजुता का ब्लॉम शब्द क्या होता है। क्या पूछा गया, ऋजुता का ब्लॉम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वक्रता। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वह आया और मैं गया, इस बात में समुच्चय बोधक शब्द बताइए कौन सा है। इसका राइट आंसर बताइएगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और एक समुच्चय बोधक शब्द है इस पाक में, तो सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, वह कवि जो तत्काल कप्ता करे उसे क्या कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कप्ता करता है आंसू कवि कहलाता है। क्या कहते हैं, आंसू कवि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, 55 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, आंसर करिए बताइए तत्सम शब्द इसमें कौन सा है। चार ऑप्शन दिएगा, इसमें बताइएगा तत्सम शब्द कौन सा है, निद्रा, कान, मोर या फिर बंदर, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निद्रा, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, निद्रा एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, बताइए निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को कौन स्पष्ट करता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। अब चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, पहले पढ़िएगा और प्रश्न में क्या पूछा गया उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। गुड, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ये पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, बताइए प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रतीक पत्रिका के संपादक आपको बताने हैं, सी करेक्ट आंसर होगा अज्ञेय, क्या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अज्ञेय प्रतीक पत्रिका के संपादक थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, बताइए इसमें शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यस, ये क्लास यूपी पुलिस के लिए भी है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सेवका पर्यायवाची शब्द, हरि सेवका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, हरि विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। यहाँ पर सेवका पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, बी करेक्ट आंसर होगा, रुद्र होता है, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रुद्राक्ष नहीं होता है, रुद्र होता है सेवका पर्यायवाची शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, हरि विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, बताइए आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गुड, गगन, नभ, अंबर, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अवनी, डी करेक्ट आंसर होगा, ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। इसका पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है अवनी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वॉल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।